पटना में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षा में हाईटेक तरीके से परीक्षा पास कराए जाने वाले गिरोह का पुलिस ने फंडाफोड़ किया है। साथ ही गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 दर्जन ब्लूटूथ स्पीकर, कई एडमिट कार्ड, कई एटीएम कार्ड, एक बैंक के खाते में 9 लाख के दस्तावेज के साथ साथ कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए हैं। ये गिरोह प्रतियोगिता परीक्षा में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेकर हाईटेक तरीके से परीक्षा पास कराता था। फिलहाल इस गिरोह के कई सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, कौन कौन सी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये गिरोह एक्टिव था, सक्रिय था? सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा में ये लोग हाईटेक तरीके से चेकिंग कराते थे और नगर थाने के पुलिस जब पेट्रोलिंग में थी आज दिन के 1 बजे, तो 4 जो लोग थे वो एक स्कॉर्पियो में बैठे थे संदिग्ध परिस्थिति में, पुलिस को देख करके भागने लगे। उसी दौरान जब उनको पकड़ा गया खदेड़ के, उनकी गाड़ियों की तलाशी ली गई। 2 दर्जन से ज्यादा ब्लूटूथ, 2 दर्जन से ज्यादा स्पीकर, वो स्पीकर बिल्कुल छोटा है जो कान के अंदर लगाया जाता है, उसके साथ कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कई कह सकते हैं कि कागजात, कई एटीएम कार्ड, एक SBI का कई कह सकते हैं कि ये खाता मिला है जिसमें 9 लाख रुपए हैं और लगभग 6 दर्जन कह सकते हैं कि एडमिट कार्ड मिला है। वो कई कह सकते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा जो है उनसे पूछताछ की गई, जिसे पूरा भंडाफोड़ किया है, कुरान गए पटना में अवरेद कर रहा है, इनके कई लोगों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। पटना पुलिस ने, पटना के पुलिस ने विशेष टीम बनाई है और इन लोगों से भी तत्काल थाने में पूछताछ कर रही है। 6 थानों की पुलिस को लगाया गया है, विभिन्न स्थानों पर अभी छापेमारी। चलिए, बहुत शुक्रिया मरगूब इस जानकारी के लिए।